उज्जैन के बहुप्रसिद्ध मंदिरों हेतु सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है। तीनों शिफ्टों में काम कर सके केवल पुरुष सुरक्षा कर्मी। मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, गधकालिका मंदिर, कलभैरव मंदिर, लड्डू यूनिट, वैदिक प्रतिष्ठान इत्यादि। सैलरी 8519 जोड़ पी एफ जोड़ ESIC। ड्यूटी माइनस 8 घंटे एवं साप्ताहिक अवकाश 26 दिन, काम 4 छुट्टी, योग्यता 8वीं पास, हाइट 5 फुट 7 इंच, आयु 21 साल से 45 साल, दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल 5 पासपोर्ट साइज फोटो। भर्ती फीस 3,500। संपर्क क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, D326 शिप्रा विहार कॉलोनी, मैंगो गार्डन के पास, उज्जैन। नोट, इंटरव्यू और कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बसंत पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती, वहां महाकाल को पीले वस्त्र और फूल चढ़ाए गए। धर्मनगरी उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रत्येक त्यौहार सबसे पहले मनाने की परंपरा है। यहां सुबह 4 बजे भस्म आरती में बाबा महाकाल को पीले द्रव्य से स्नान कराया गया। इसके बाद पीले चंदन से आकर्षक श्रृंगार कर सरसों और गेंदे के पीले फूल अर्पित किए गए। बाबा को पीले वस्त्र पहनाकर विशेष आरती की गई और फिर पीले रंग की मिठाई का महाभोग लगाया गया। बुधवार को महाकाल मंदिर में बसंत पंचमी पर्व का उत्साह साफ दिखाई दिया। ज्यादातर श्रद्धालु और पंडित पुजारियों ने पीले वस्त्र में दिखाई दिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। आज से प्रकृति ने अपना स्वरूप बसंतोत्सव के रूप में लिया है। जितनी ऋतु होती है उसमें एक ऋतु बसंत ऋतु भी होती है। उस ऋतु में आज बसंत ऋतु का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रातः काल भस्म आरती में भगवान महाकाल को पंचामृत पूजन, जो बसंत के स्वरूप में ही था, आज उससे पूरा अभिषेक पंचामृत बाबा का किया गया। उसके बाद बाबा को श्रृंगार किया गया। श्रृंगार में भी बसंत का स्वरूप ही आज भगवान को दिया गया है और बाद में उनको वसंत चढ़ाया गया है। वसंत मतलब सरसों के जो पीले फूल होते हैं उससे भगवान को अर्पण किए गए हैं और आज सभी देवी देवताओं को वसंत के फूल चढ़ेंगे। और उसी श्रृंखला में आज से फाग महोत्सव भी शुरू हो जाता है, तो शाम को बाबा को गुलाल अर्पण की जाएगी और भगवान को वसंतोत्सव का और फाग महोत्सव का आगाज आज से शुरू हो गया है। उज्जैन के वाल्मीकि धाम आश्रम के प्रमुख पीठाधीश्वर बाल योगी संत उमेश नाथ जी महाराज को BJP ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। उमेश नाथ महाराज वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके पास RSS प्रमुख से लेकर अमित शाह तक आशीर्वाद लेने आ चुके हैं। सिंहस्थ कुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संत उमेश नाथ जी महाराज के साथ समरसता नहान भी किया था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र समिति ने मध्य प्रदेश के लिए राज्यसभा सीट की घोषणा की। इसमें वाल्मीकि समाज से आने वाले संत उमेश नाथ महाराज का नाम घोषित किया गया। इसके साथ मध्य प्रदेश से डॉक्टर एल मरुंगन, माया नारोलिया, बंसीलाल गुजर के नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मन मस्तिष्क में जो विचार किया है और उसने जो एक बड़ी जवाबदारी या दायित्व मुझे सौंपने का मन बनाया, मैं संपूर्ण देशवासियों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। साधु होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूं और आगे की जो चर्चा होगी मैं आपसे विस्तार पूर्वक फिर बाद में करूंगा। समस्त अवंतिका निवासियों को खूब सारा आशीर्वाद है। आप सब लोग, हम सब लोग मिल करके इस दायित्व को बहुत अच्छे से
निर्वाहन करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई इसमें कोताही नहीं बरतेंगे। भगवान महाकाल की नगरी में आप और हम निवास करते हैं, तो जब जब भी भगवान महाकाल किसी को कोई जिम्मेवारी सौंपता है तो उसकी जिम्मेवारी को पूर्ण करने के लिए भगवान महाकाल स्वयं उस कार्य को निभाते हैं। उज्जैन में माँ सरस्वती का एक ऐसा मंदिर है जहां उनका अभिषेक जल या दूध से नहीं बल्कि लिखने वाली स्याही से होता है। माँ सरस्वती की यह मूर्ति हजारों साल पुरानी है और बसंत पंचमी के मौके पर छात्र उस प्रतिमा का दर्शन कर विद्या की देवी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। मध्य प्रदेश के धर्मनगरी उज्जैन में एक अनोखा माँ सरस्वती का मंदिर है जिसमें विराजत विद्या की देवी को नील सरस्वती के नाम से जाना जाता है। दरअसल माता का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर माता का नीली स्याही से अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से ज्ञान की देवी माँ सरस्वती प्रसन्न होती है और विद्यार्थियों को बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद देती है। इसी मान्यता के चलते बसंत पंचमी के दिन बड़ी संख्या में उज्जैन सहित दूरदराज से विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की कामना को लेकर यहाँ आते हैं और माता का स्याही से अभिषेक करते हैं। यह अनूठा मंदिर उज्जैन शहर के सीएमपुरी में बिजासन पीठ के सामने स्थित है। इसमें स्याही माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक विद्या आरंभ संस्कार को बसंत पंचमी पर करने का विधान है। वही माँ सरस्वती को नील वर्ण भी कहा गया है, इसलिए इस दिन माता को नील कमल और स्याही चढ़ाकर विद्या का वरदान मांगा जाता है। आज बसंत पंचमी है और आज के दिन सरस्वती माता का जन्मदिन माना जाता है, तो उसी वजह से सभी विद्यार्थी इंक शाही और फूल और माता को ये सब चढ़ाने यहाँ पे आते हैं। ये मगरमुहा स्थित सिंहपुरी में एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे सारे विद्यार्थी आके अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए कामना करते हैं और माता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि उन्हें अपनी पढ़ाई में यश की प्राप्ति हो। इसी वजह से मैं भी आज आई हूँ। राजाधिराज बाबा महाकालेश्वर की नगरी में कई ऐसे ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर हैं, उन मंदिरों में से एक माता सरस्वती वागदेवी मंदिर जो कि उज्जैन सिंहपुरी में स्थित है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि पूरे भारतवर्ष में यह एकमात्र मंदिर है जहाँ मातेश्वरी को शाही चढ़ा करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के निमित्त शाही चढ़ाई जाती है। यहाँ पर छात्रगण आकर के मातेश्वरी को शाही चढ़ाते हैं जिससे कि वह उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण पास हो सके, यही मान्यता है। विवाह सम्मेलन से उज्जैन लौट रहे परिवार का भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत 10 घायल, लेकिन परिवार की कोई सूद लेने वाला नहीं, लगाई मदद की गुहार। राष्ट्रीय संत मुकेशानंद पुरी महाराज ने भी सीएम व प्रतिनिधियों से की मदद की मांग। दरअसल शाजापुर जिले में 2 दिन पूर्व हुए ट्राले और पिकअप वाहन की टक्कर भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत 10 घायल हुए थे। उज्जैन का परिवार शादी समारोह से लौट रहा था, हादसे में माता पिता और एक अन्य की मौत हो गई। वहीं परिवार के कई लोग घायल हुए थे। चूंकि 2 से 3 दिन होने पर भी कोई जिम्मेदार सूद नहीं लेने पहुंचा परिवार की, तो ऐसे में राष्ट्रीय संत मुकेशानंद पुरी महाराज आगे आए और उन्होंने मुख्यमंत्री व जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई, खुद भी परिवार की मदद की। परिवार के सदस्य ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर है, कृपया हमारी मदद करें। सम्मेलन से लौट रहे थे सर, ट्राले वाले ने छोटी पिकअप आती है, छोटा हाथी, इसमें जोरदार टक्कर मार दिया एकदम। तो माँ एक पापा तो स्पॉट पे ख़त्म हो गया था हमारे, मम्मी हॉस्पिटल में जाते जाते माँ से दम तोड़ दिया था। 13 लोग थे उसमें, जिसमें से 3 तो मर चुके हैं और बाकी घायल है, इलाज चल रहा है। आप क्या चाहते हैं सरकार? जो भी मिले, जो भी करे मदद मिल जाए। नाम परिवार है उज्जैन के अंदर, जो कि सामूहिक सम्मेलन में बारात लेकर के गए थे और बहुत निर्धन और गरीब परिवार है जिसका पालन पोषण डेली रोज की मजदूरी पे वो करते हैं। तो बारात लेकर गए थे, तो बारात वापस लेकर सामूहिक सम्मेलन से आ रहे थे। सामूहिक सम्मेलन में मैं भी था मुख्य अतिथि के रूप में, उसमें मुझे बुलाया था और मैंने दुर्घटना के बारे में जैसे ही सुना तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तो मैंने साजापुर इलाज में भी वहाँ नोकल के जितने भी लोग हैं सबसे वहाँ मदद करवाई है। मैं
माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उनसे निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ के विधायक जी माननीय जैन साहब उनसे निवेदन करना चाहूँगा, इस क्षेत्र के लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया जी उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये परिवार अति गरीब परिवार है, अति निर्धन परिवार है, इस परिवार को जितना हो सके आप इनकी मदद जरूर करें। 3 दिन हो गए हैं अभी तक इनके पास में यहाँ कोई पहुँचा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 3 दिन हो चुके हैं लेकिन इस परिवार के अभी तक सुध किसी ने ली नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस परिवार को जितना हो सके थोड़ा सा मदद मिले, क्योंकि आगे इनके परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी है जिनका कार्यक्रम करने का पैसा इनका पास नहीं है। यहाँ पर अतिथियों को जो मेहमान आएंगे उनको भोजन करवाएं, ऐसा इनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है। समाज के लोग थोड़ा इकट्ठा करके इनको थोड़ा सा आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो मैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो सरकार हर गरीब की मदद करती है, और इसी आशा के साथ में ये परिवार भी आपसे आशा करता है कि आप इस परिवार को जरूर थोड़ा कुछ सहयोग प्रदान करेंगे।